दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने विश्व कप 2023 में शानदार बॉलिंग की थी। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन शमी तब से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है और मैदान से बाहर चल रहे हैं। वह चोटिल थे। वहीं अब शमी की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उन्होंने लंदन में अपने पैर का ऑपरेशन करा लिया है। उनकी यह सर्जरी पूरी तरह से सफल रही, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें देखने के बाद फैंस थोड़ा भावुक हो सकते हैं। मोहम्मद शमी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही थी कि विश्व कप 2023 में विकेट क्या ले लिया, इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया से दूरी ही बना ली और टीवी शोज में दबाकर नजर आ रहे हैं। लेकिन असली कारण ये था कि उनकी एड़ी में चोट थी, जिसकी वजह से वह गेंदबाजी में दर्द महसूस कर रहे थे। इसलिए वह साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और अब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी ने इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए हॉस्पिटल से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, अभी अभी मेरी अकिलीज टेंडन की एड़ी का सफल ऑपरेशन हुआ है। ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए उत्सुक हूँ। फोटोज में देखा जा सकता है शमी के हाथ में कैनुला लगा हुआ है और बेड पर रेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब फैंस उनकी सलामती और वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं।